हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, तो यस वो है स्मूदनिंग आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि सभी लोगों को आजकल स्मूदनिंग कराने का एक शौक पड़ गया है, चाहे उनके बाल खराब हो या अच्छे हो, बिना जाने कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। आज मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक स्मूदनिंग कराई नहीं है लेकिन वो प्लान कर रहे हैं स्मूदनिंग कराने के लिए। तो स्मूदनिंग कराने से पहले एक बार मेरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जो डिसीजन लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करने वाली हूँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपके बाल अच्छे हैं तो उन्हें बेकार ना करें, क्योंकि आप लोगों ने वो कहावत सुनी है चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आप लोगों को स्मूदनिंग कराने के बाद कुछ वैसा ही फील होने वाला है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको फील होगा, या जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट कराया है स्मूदनिंग रिबॉन्डिंग या फिर कोई भी ऐसे बालों के ट्रीटमेंट, उन लोगों को खासकर ऐसा फील होता होगा। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो स्मूदनिंग कराने के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ। मेरा मकसद है सिर्फ आपके बालों को बचाना, आप लोगों के साथ जो आपकी मदर की मेहनत है, जो आपके बालों पर आपकी मदर ने किया होगा। मेरे बाल अच्छे हैं क्यों, नेचुरली भी हैं थोड़े से अच्छे, लेकिन मेरी मदर ने मेरे बालों का बहुत ध्यान रखा था, थैंक्स टू माय मॉम कि आपने मेरे बालों का इतना ख्याल रखा जिसकी वजह से मेरे बाल इतने अच्छे हैं। वो क्या करती थी, सिर्फ होम रेमेडीज यूज करती थी मेरे बालों पर, और आज मेरे बाल इतने स्मूथ सिल्की और लॉन्ग हैं कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी मैं होम रेमेडीज यूज करती हूँ अपने बालों पर। कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि स्मूदनिंग कराने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप किसी भी सलून में जाते हैं तो वो लोग आपको एडवाइस करते हैं कि ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, केराटिन ट्रीटमेंट करा लीजिए, स्मूदनिंग करा लीजिए, रिबॉन्डिंग करा लीजिए, क्यों कभी सोचा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये उन लोगों का काम है कि आपके बालों पर स्मूदनिंग करना ताकि उनको थोड़ा सा जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उन्हें फायदा हो, पर वो आप लोगों को क्लियरली नहीं बताते कि उस स्मूदनिंग को कराने के लिए वो आपके बालों पर कितना केमिकल यूज करने वाले हैं, कितनी हीट यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली उन लोगों का काम है, मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा होता है कि मन में कि हाँ उसके बाल इतने सुंदर लग रहे हैं, इसके बाल इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरे भी होने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपके जैसे भी बाल हैं आप होम रेमेडीज यूज करके उन्हें बहुत अच्छा बना सकते हैं, किसी स्मूथनिंग की किसी ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है आपका हेयर फॉल। आप स्मूदनिंग कराते हैं तो बहुत सारी हीट बालों को दी जाती है, स्मूदनिंग के लिए केमिकल ऐसे ऐसे यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से आंखों में पानी भी आ जाता है। जिन्होंने भी स्मूदनिंग कराई है उनमें से काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली होगी। तो ऐसे केमिकल जब आपके बालों में लगेंगे तो आपके बालों का क्या हाल होने वाला है, तो यही कारण है उन केमिकल्स और हीट की वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको मैं बता दूं जिन्होंने भी स्मूदनिंग कराई हुई है उनके 90 से 100 बाल डेली गिरते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके 100 बाल रोज गिर रहे हैं तो आपके बालों का क्या हाल होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्मूदनिंग के बाद अपने बालों पर कुछ रेमेडीज यूज कर लेते हैं तो आपका वो जो हेयर फॉल है वो घटकर 60 से 70 बाल पर डे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके 70, 80 या 100 बाल रोज गिर रहे हैं तो आपके बालों की जो थिकनेस है वो कितनी रह जाएगी, कितने बाल रह जाएंगे आपके। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान में रखकर ही जाइएगा स्मूदनिंग कराने कि आपके हेयर फॉल होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड साइड इफेक्ट की। अगर आपने स्मूदनिंग कराई है तो आप ध्यान में रखिए कि आपके जो बाल हैं उनमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्प्लिट एंड्स की बहुत सारी रेमेडीज भी हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए, लेकिन स्मूदनिंग के बाद जो आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होगी उसे तो आप भूल ही जाइए, आपको अपने बाल कट ही करवाने पड़ेंगे नीचे से, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं होगा, ना ही किसी होम रेमेडी से आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो रिपेयर होंगे। स्प्लिट एंड्स की वजह से ना तो आपके बाल बढ़ेंगे और दूसरी बात वो बहुत खराब भी दिखेंगे, तो दूसरा ये साइड इफेक्ट है जिसे आपको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है हेयर थिनिंग की। आपके बालों की थिकनेस कितनी भी हो अगर आप स्मूथनिंग करा लेते हैं उसमें केमिकल लगता है, हीट लगती है, तो उसके बाद आपके जो बाल हैं वो थिन होते चले जाते हैं,
आप जब भी स्मूथनिंग कराने जाएंगे, जिससे भी आप स्मूथनिंग कराएंगे, वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि आपको अपने बालों पर यही शैम्पू यूज़ करना है, यही केमिकल वाला कंडीशनर यूज़ करना है, तभी आपके बाल मेंटेन रह पाएंगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि होम रेमेडी अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल तो और भी अच्छे होने ही हैं, लेकिन आप अगर स्मूथनिंग कराएंगे, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अपने बालों पर यूज़ करेंगे, तो आपके बालों की जो थिकनेस है वो बहुत थिन हो जाएगी। अगर आपके चोटी या बाल, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जितने बाल थे आपके, जितनी हैवी आपकी चोटी बनती थी, उसका जस्ट हाफ वो हो जाएगा पहली बार ही स्मूथनिंग कराने से। नेक्स्ट जो हमारा साइड इफ़ेक्ट है वो है आपके बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। जैसे भी आपके बाल हों, और अगर वो थोड़े से मैनेजेबल होंगे भी, तो स्मूथनिंग कराने के बाद जब उनका कुछ महीनों के बाद असर कम होने लग जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके बालों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। और उसे रिपेयर करने के लिए, उसे और अच्छा दिखाने के लिए, आपको फिर दोबारा से स्मूथनिंग के प्रोसेस पर जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट है स्मूथनिंग कराने का, बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अगर आपके बालों में डैंड्रफ था तो वो डबल हो जाएगा, और अगर नहीं भी था तो स्मूथनिंग कराने के बाद इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपके बालों में डैंड्रफ होने ही वाला है। क्योंकि ये जो केमिकल वाला प्रोसेस होता है, ये हमारे स्कैल्प को भी ड्राई बना देता है, और ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्कैल्प पर नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से आपको होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। और डैंड्रफ से तो आपको ऑब्वियसली पता ही है हेयर फॉल कितना बढ़ जाता है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो है आपके हेयर का कलर चेंज हो जाना। जो भी आपका कलर होगा हेयर स्मूथनिंग कराने से पहले, वो कलर आपका हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद नहीं रहेगा। कुछ महीनों के बाद ही आप देखेंगे कि अगर आपके बाल काले हैं तो धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाएंगे। अब मेरी फ्रेंड ने कराया हुआ है स्मूथनिंग, उन्हें हो चुके हैं 1 ईयर हो चुका है, तो अब वो जाकर नोटिस कर रहे हैं कि उनके बालों की टेक्स्चर, कलर सब कुछ ख़राब हो चुका है, रफ़ हो चुके हैं। मेरी फ्रेंड अगर ये वीडियो देख रही है तो सॉरी। तो हाँ, आपके बालों का कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो है बालों में ड्राइनेस आ जाना। स्मूथनिंग कराने के कुछ महीने बाद ही आप खुद ही फील करने लग जाएंगे कि आपके बाल धीरे धीरे झाड़ू बनते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी रफनेस, इतनी ड्राइनेस आ जाती है बालों में कि आप दोबारा से स्मूथनिंग कभी नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट जो स्मूथनिंग की प्रॉब्लम है वो ये है, जिनके बाल थिन हैं ऑलरेडी, उनके बाल और थिन हो जाने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं, ऑलरेडी थिन हेयर लेकर अगर आप किसी सलोन में जाते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, आप वहाँ से कुछ अच्छा नहीं लेकर आने वाले हैं, अपने बालों को और भी पतला ही बनाकर आने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्मूथनिंग में जो भी केमिकल हमारे बालों में यूज़ किए जाते हैं, इससे हमारे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो और भी ज़्यादा थिन हो जाते हैं। थिन हो जाने के बाद में बालों में ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके बाल थिन हैं तो बिल्कुल भी इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाइएगा, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। अगर आपको गंजा होने का शौक ना चढ़ा हो तो स्पेशली बिल्कुल मत जाइएगा। और हाँ, सबसे लास्ट में होता है स्ट्रेस। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेस कैसे हो सकता है स्मूथनिंग कराने से, तो आप मुझे एक बात बताइए, स्मूथनिंग आपने करा ली, उसके बाद आपको खरीदने पड़ेंगे महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर, मेंटेन रखना पड़ेगा बालों को, हर महीने कराना पड़ेगा सैलून में जाके स्पा, और उसके बावजूद भी आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, ब्रेकेज की प्रॉब्लम आएगी, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आएंगी, तो आप मुझे बताइए कि आपको स्ट्रेस होगा या मुझे? कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट आप पहले करा तो लेते हैं बालों को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और आप कितना भी उन्हें मेंटेन कर लीजिए, आपके बाल पहले वाले जैसे बिल्कुल नहीं होने वाले, बाल बिल्कुल झाड़ू हो जाने वाले हैं। और अगर झाड़ू से बचाने के लिए आप उन्हें बार बार स्मूथनिंग कराएंगे तो आपके बाल बिल्कुल झड़ जाने वाले हैं, थिन हो जाने वाले हैं, और उनका जो वॉल्यूम है ख़त्म हो जाने वाला है। अभी मुझे नहीं पता कि आप मेरी वीडियो से डिसअपॉइंट हुए हैं या आप लोगों को कुछ समझ आया है। मैं तो इस ट्रीटमेंट को कभी नहीं करवाने वाली अपने बालों पर, आपसे भी एडवाइस करूंगी मत कराइए। इससे अच्छा है घर पर आप होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि स्मूथनिंग कराने के बाद भी आप होम रेमेडीज़ ही यूज़ करने वाले हैं। उससे अच्छा है पहले ही अपने बालों पर होम रेमेडीज़ यूज़ कर लीजिए और अपने बालों को अच्छा बना लीजिए। मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी बहुत सारे हेयर मास्क, बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट जो आप घर पर कर सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से। तो आप लोग क्यों बिना मतलब के सलोन में जाके इतना पैसा बर्बाद करके भी कुछ बुरा ही लेकर आएंगे वहाँ से? इससे अच्छा है मेरी वीडियोस को देखें। मैं जितनी भी रेमेडीज़ अपने वीडियोस में डालती हूँ सब मैं अपने बालों पर यूज़ करती हूँ और करके ही दिखाने वाली हूँ, तो क्यों ना आप उन रेमेडीज़ को यूज़ करें।
अपने बालों को बनाए नेचुरली सिल्की शाइनी एंड स्मूथ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप लड़कियों आपको समझ आया होगा कि आपको स्मूथनिंग करानी चाहिए या नहीं। अगर आप फिर भी कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन उस चीज़ के लिए तैयार रहिए जो कि मैंने बताई हैं। और अगर आप होममेड ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक थम्स अप दे दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।